हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज आपका फिर से। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि मैं आज किस टॉपिक पर बातचीत करने वाला हूं। सो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। यदि मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। सो दोस्तों, सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउजर में आएंगे। आने के बाद दोस्तों, डिजिटल ग्रामीण सेवा सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आने के बाद दोस्तों, लॉगिन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों, डेस्कटॉप साइड में कन्वर्ट कर लेंगे। करने के बाद दोस्तों, आईडी एंड पासवर्ड फिलअप करेंगे। पासवर्ड फिलअप करेंगे। एंड कैप्चा फिलअप करेंगे। कैप्चा फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आने के बाद दोस्तों, प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं, आपको पूरा डिटेल लिखा होता है। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद प्रोफाइल में आप कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं। बैक आ जाएंगे, आइडेंटिटी कार्ड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका आईडी कार्ड ऐसा कुछ आ जाएगा, इसको प्रिंट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सर्टिफिकेट कुछ इस प्रकार का शो करेगा। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि डिजिटल ग्रामीण सेवा से आईडी कार्ड एंड सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करते हैं। सो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।